How is citizenship decided? Will it be in the hands of the government? तो नागरिकता जो है वो कैसे मिलती है भारत की, और क्या भारत की सरकार डिसाइड करती है कि नागरिकता किसको देना है किसको नहीं देना है? इसका जवाब छुपा है सिटीजनशिप रूल 2009 में। और ये जो सिटीजनशिप रूल है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है कि कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें कहा गया है कि 5 प्रोसेस ऐसे हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप भारत की मिल सकती है। वो प्रोसेस क्या क्या है? उसमें है सबसे पहला बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और सबसे आखिर में है बाय नेचुरलाइजेशन। तो सरकार ने ही इन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उस पर गवर्न कर दी है कि कैसे आप हमें सिटीजनशिप मिलेगा। इज एनआरसी अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? दोस्तों आपको ये बताना है कि क्या सिटीजनशिप एनआरसी जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भाग है? नहीं, एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही अलग प्रोसेस है, ये दोनों अलग प्रक्रिया है। सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था जो कि दोनों सदनों जो कि है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो चुका था, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो पूरे देश भर में लागू किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनआरसी जो है अभी तक सिर्फ असम के लिए किया गया है, ना कि पूरे देश के लिए। एनआरसी का जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी किया गया है असम में, और वो भी असम एकॉर्ड के तहत किया गया है। तो ये दोनों ही अलग प्रक्रिया है, इसमें कंफ्यूज ना हो। डू इंडियन मुस्लिम्स नीड टू वरी अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्लस एनआरसी? क्या भारतीय मुसलमानों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी से चिंतित होने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी धर्म किसी भी समुदाय को बिलोंग करते हो तो आपको इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप दी जा रही है, ना कि आपकी सिटीजनशिप छीनी जा रही है। और रही बात एनआरसी की, तो एनआरसी अभी तक पूरे देश में लागू हुआ नहीं है, ये सिर्फ अभी तक असम में लागू हुआ है। और मिथ्स फैलाए जा रहे हैं कि एनआरसी अगर होता है तो मुसलमान भाइयों को इस देश से निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या लोगों को धर्म के आधार पर एनआरसी से हटाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। एनआरसी जो है अभी तक देश में उसकी प्रोसेस क्या है, आगे के उसके लीगल प्रोसीजर क्या है, वो अभी तक बताया नहीं गया है। और ऐसा है दोस्तों कि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, जो कि आर्टिकल 14 में कहा गया है, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। तो जो स्टेट है हमारे में भेदभाव नहीं कर सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से अगर हम देखें और संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं अगर हम हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये किसी रिलीजन के आधार पर कभी हो ही नहीं सकता। और अगर होगा तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको ओवर रूल करेगा। क्या पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और अफगानियों को सिटीजनशिप मिलेगा आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो इसका जवाब है हाँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहता है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और जो इन तीन देशों जो कि है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, और साथ ही वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी, भारत सरकार ने ये कहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते हैं इन तीन देशों में, और ये जो समुदाय है, ये जो रिलीजन है वो है हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। ये टोटल 6 ऐसे रिलीजन हैं जिनको भारत सरकार ने कहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। तो इन जो समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको सिटीजनशिप भारत सरकार देगी, और साथ ही शर्त ये होगी कि उनको भारत में
छः साल रहना पड़ेगा, तभी जा करके इंडिया की सिटीजनशिप उनको दी जा सकती है एज अकॉर्डिंग टू न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या मुस्लिमों को जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? दोस्तों, मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुस्लिम्स हैं जो कि बिलोंग करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को, उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया में, और वह प्रोसेस होगा बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस ये कहता है कि अगर कोई बाहरी सिटीजन है और उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे टोटल 11 साल भारत में रहना होगा। 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो इमिडिएटली उसके बाद एक साल कंटिन्यूसली उसको भारत में रहना पड़ेगा, और वो जो 12 साल का जो प्रोसेस है वो उसको विद इन 14 ईयर्स में कंप्लीट करना होगा। मतलब अगर आप 14 साल के लिए भारत में हैं तो 11 साल टोटल आपको भारत में रहना है, और जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद कंटिन्यूसली एक साल भारत में रहना होगा, तभी जा करके आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करते हैं और आपको नागरिकता मिल सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बस ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इन 6 रिलीजन को। क्या जो NRC होगा भारत में वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। NRC जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होगा। NRC जो है सारे सिटीजन्स के लिए है इंडिया में। तो जितने भी सिटीजन जो भारत को बिलोंग करते हैं उनका नाम NRC में इंक्लूड किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि किसी को भी छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका नाम अवश्य ही NRC में पाया जाएगा। अगर NRC होता है भारत में तो क्या हमसे ये पूछा जाएगा कि हम भारत के नागरिक है कि नहीं, और क्या ये प्रूफ भी करने के लिए बोला जाएगा हमें? तो दोस्तों, अभी तक सबसे पहले NRC की जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, और अगर ये डिक्लेयर किया भी जाता है तो NRC जो है बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस होने वाला है, जिसमें कि आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जिसमें कि आपके रेलेवेंट डेट ऑफ बर्थ हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, और ये प्रूफ किया जा सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप इंडियन हैं, बस आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि हम सिंपली डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं आधार कार्ड बनवाने के समय, वोटर ID कार्ड में अपना नाम एनरोल करवाने के समय, उसी टाइप के आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको काम करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हमें अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ या फिर उनके नागरिकता को प्रूव करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी है तो सिंपल हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं जहां पर हमारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो इन सब चीज़ों की ही ज़रूरत है। और अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है तब उनको अपने पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ या उनकी सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। और दोस्तों, NRC का प्रोसेस अभी तक पूरी तरीके से भारत सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कैसे क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन सब डॉक्यूमेंट्स पे अभी डिसीजन लेने बाकी हैं, तो आई होप कि सरकार सही डिसीजन ही लेगी। NRC के प्रोसेस के तहत क्या हमें पुराने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं लाने में, या फिर घर पे भी नहीं मिलते हैं कई बार? तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो और ये बता रहा हो कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है। उन लोगों का क्या होगा जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं? तो उस केस में दोस्तों, सरकार एक ऐसा प्रोसेस लेके आएगी
कि अथॉरिटीज के सामने आप किसी भी विटनेस को ले जा करके ये प्रूव कर पाएंगे कि आप यहाँ के नागरिक हैं। और सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी या उठाना चाहेगी जिससे कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको परेशानी दे। अगर किसी के पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान किया जाएगा। तो जिन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी, उनको क्या नॉर्थ ईस्ट में सेटल करने दिया जाएगा? और क्या ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो असम हाईकोर्ट को वायलेट करता है कि नहीं? तो मैं सबसे पहले आपको पहले वाला बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो भी लोग जिनको नागरिकता मिलेगी भारत की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत उनको नॉर्थ ईस्ट में सेटल नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ स्पष्ट किया है कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो कि 6 शेड्यूल में मेंशन है, जो कि 4 राज्यों में है, वो है राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन शेड्यूल्ड एरियाज में इनको सेटल नहीं किया जाएगा। और मोरोवर, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इनर लाइन परमिट के द्वारा एक प्रावधान मिला है जहां पर इन सिटीजनशिप को कभी भी बसाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन अमित शाह ने पार्लियामेंट में खुल के ये बोला था कि ये प्रावधान उनको बचाने के लिए है। और इनर लाइन परमिट में अभी हाल ही में मेघालय को और मणिपुर को लाने की बात हो रही है। और क्या ये असम हाईकोर्ट को वायलेट करता है? हाँ दोस्तों, ये असम हाईकोर्ट को वायलेट करता है। असम हाईकोर्ट 1985 के तहत कहा गया था कि उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी जो कि 24 मार्च 1971 के पहले भारत में आए हैं। लेकिन इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कहा गया है कि उन लोगों को भी नागरिकता मिलेगी जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं और वो इन 6 रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको 6 रिलीजन बता दिए हैं, वो हैं हिंदूस, सिक्स, क्रिश्चियन, पारसी, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। अगर वो इनको बिलोंग करते हैं और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नो, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एनआरसी जो है वो किसी भी ट्रांसजेंडर, एथिस्ट होते हैं वो लोग जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, आदिवासी, दलित या महिलाओं के एक्सक्लूड नहीं करेगी। एनआरसी जब भी होगा पूरे देश में, वो सभी के लिए बराबर से लागू किया जाएगा और जिनके पास भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भारत एनआरसी में इंक्लूड किए जाएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो हम एक एजुकेशनल पर्पस से लेके आए थे और इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद।